आपका वोटर आईडी कार्ड खोया गया है या ख़राब हो गया है, या आप उसको करेक्शन के लिए दिए हैं और वो करेक्शन हो गया है और आपको नया वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है, तो आप इस सभी सिचुएशन में किस तरीके से रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करोगे। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड के लिए आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, पैसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ से आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका टर्म एंड कंडीशन ओपन होकर आ जाता है। एग्री पर ओके करेंगे। यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे या स्किप लॉगिन करेंगे। इसको आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना नाम डाल के ओके करेंगे। आपके सामने डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाने का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास पूछा जा रहा है कि वोटर आईडी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ मेल फीमेल को चूज कर लेना है, एज चूज कर लेना है। यहाँ स्टेट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद कंसल्टेंसी चूज के फेस डिटेल पर ओके करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि हमने रिकॉर्ड फाइंड कर लिया है। इसके बाद प्रोसीड पर ओके करेंगे। आपके सामने पूरा इसका डिटेल आपको आपके सामने ओपन हो के आ जाता है। इसको आप एक बार अच्छी तरीके से इसको आपको चेक कर लेना है। चेक करने को अगर लग रहा है सब कुछ सही है तो नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो इसको रेड वाले पे बैक जाके इसको आप सही करेंगे। अगर लग रहा है कि आपको सब कुछ सही है तो सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आप यहाँ पे अपना हाउस नंबर, स्ट्रेट एरिया, लोकेलिटी का डालेंगे। इसके बाद यहाँ टाउन डालेंगे। इसके बाद पुलिस स्टेशन पिन कोड डाल के नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट का आपको एक रीज़न देना होगा कि आप अपना वोटर आईडी क्यों रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं। अगर आपका वोटर आईडी खोया गया है तो आप यहाँ पे लिख देंगे लॉस। अगर आपका वोटर आईडी में करेक्शन कराए हैं तो और आपको नहीं मिला है तो आप इसमें लिख देंगे करेक्शन इन वोटर कार्ड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉस। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको मेल फीमेल है वो आपको इसमें चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के सिंपली कैलेंडर में जाके इसमें से आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। चूज करने के बाद सिंपली इसमें यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो वोटर आईडी मंगाना चाहते हैं वो VRC CSC के द्वारा आप लेना चाहते हैं या आप बाय पोस्ट अपना वोटर आईडी मंगाना चाहते हैं या VLO के द्वारा आप यहाँ पे अपना वोटर आईडी लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज कर लूँगा कि हमें वोटर आईडी बाय पोस्ट चाहिए, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है बाय पोस्ट वोटर आईडी। इसके बाद आपको यहाँ कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ऑफलाइन पेमेंट का। अगर आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप 25 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शन आएगा ऑफलाइन पेमेंट को तो आपको जाना पड़ेगा VRC सेंटर, मतलब वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर आपको वहाँ पे 25 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपका फॉर्म को वहाँ पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ पे जो वोटर आईडी कार्ड है वह वहाँ पे आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कुछ ऑप्शन आता है ऑफलाइन पेमेंट का तो यहाँ पे चूज करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अपना एप्लीकेंट का नाम डालेंगे, इसका प्लेस डाल के करेंगे डन। डन करते ही आपके सामने ये पूरा डिटेल ओपन होकर यहाँ पे आपका आ जाता है। आपको इसमें से अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं। अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ लग रहा है तो बैक जाके इसको करेक्शन करेंगे। अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ कन्फर्म वाले पे ओके करेंगे। आपके सामने आपको रेफरेंस आईडी दे दिया जाएगा, इसको आप कॉपी करके रख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। जब भी आप VRC सेंटर जाएंगे, मतलब वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर जाएंगे आपको 25 रुपीज़ का पेमेंट करने के लिए, तो आप वहाँ पे ये आईडी देंगे तो आपको बहुत ही आसानी से वहाँ पे काम हो जाएगा। या आप अपने गूगल में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं अपने आसपास का VRC सेंटर, या आप वैसे भी इसको अपने अगल बगल में इसको सर्च कर सकते हैं VRC सेंटर। इसके बाद सिंपली अपने स्टेटस चेक करने के लिए हम आप फर्स्ट वाले पेज पर जाएंगे, इसको ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे आएगा, सबसे नीचे एक्सप्लोजर का ऑप्शन देख रखा है, आपको लेफ्ट साइड में करेंगे।
ओके करते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा तो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आप ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको जो भी रेफरेंस आईडी मिला है वो इसमें डाल के आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर लेंगे या भरे रहिएगा, वो अप्लाइड फॉर्म पर ओपन रहेगा तो आप यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपने जो भी फॉर्म भरे रहिएगा वो इस तरीके से आपका शो करेगा। तो सिंपली आप जो फॉर्म भरे हैं वो यहाँ पे आ चुका है, सिंपली मैं इस पर ओके करता हूँ। ओके करते यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे सर्चिंग हो के ये पूरा लिस्ट यहाँ पे हमको दिखलाई दे देगा। आपके सामने इस तरीके से ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ये देख रहे हैं कि ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। इसके बाद जाएगा ये BLO के पास अपॉइंटमेंट के लिए। इसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन आपका जो आप अप्लाई किए इसका होगा। इसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो होना होगा हो जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और नहीं तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें जो भी भरिएगा डिटेल्स भरिएगा, क्योंकि इसमें 3 महीने का टाइम लगता है। मैं इससे अप्लाई किया था तो मेरा जो है इसमें 46 डे का टाइम लग गया था। तो इसमें आपको मैक्सिमम 3 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम लग सकता है, तो इसीलिए आपको धैर्य रखना है, सब्र रखना है। तो आपका अगर इस पर आप अच्छी तरीके से पूरा डिटेल दिए होंगे तो आपका ये 101% है कि इससे आपका जो भी करेक्शन, जो भी सुधार, जो भी कुछ करवाना चाहते हैं तो वो आपका ऑलरेडी हो जाएगा। तो आपने जाना कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन से रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड के लिए हम किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दे।